नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नेता किसी से नहीं डरते, वे डरते हैं तो सिर्फ भगवान से। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक शख्स था जिससे नेता डरते थे, और डरते ही नहीं कांपते भी थे। उस शख्स का नाम था TN शेषन। वही TN शेषन जिन्होंने देश के चुनाव आयोग को एक नया मुकाम दिया। तिरुनेले नारायण अय्यर शेषन यानी TN शेषन का निधन हो चुका है। वे भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वे 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर तैनात रहे। उनको भारत का सबसे प्रभावशाली मुख्य चुनाव आयुक्त माना जाता है। शेषन को चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता रहेगा। टीएन शेषन बतौर चुनाव आयुक्त कितने कड़क थे, इस बात का उदाहरण आपको इससे मिल सकता है कि वे सरकार से सीधी टक्कर लेने से भी नहीं कतराते थे, फिर चाहे अंजाम जो हो। डेमोक्रेटाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी किताब में टीएन शेषन के इस कड़क अंदाज का जिक्र मिलता है। किताब के लेखक ने शेषन के संघर्ष की कहानी का जिक्र किया है। किताब में लिखा है कि 1962 में टीएन शेषन का एक ही दिन में सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक 6 बार ट्रांसफर किया गया था। टीएन शेषन ने एक ग्रामीण अफसर को 3,000 रुपए का घपला करने से रोका था, इसलिए उनका यह ट्रांसफर हुआ था। इतना ही नहीं, रेवेन्यू मंत्री की बात न मानने पर टीएन शेषन को तो तमिलनाडु में मंत्री ने अपनी गाड़ी से ऐसी जगह उतार दिया था जहां बिल्कुल सुनसान इलाका था। लेकिन शेषन कभी डिगे नहीं। इसी का नतीजा था कि नेता उनसे थरथर कांपते थे। टीएन शेषन इतने संघर्षशील और ईमानदार थे कि नेता और कई अधिकारी उनसे डरते थे। अपने इसी व्यवहार के चलते उन्होंने बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त बेहद पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के कानून का पालन कराया। शेषन के कार्यकाल से पहले तक के चुनाव में बेहिसाब पैसा खर्च होता था। कोई प्रत्याशी इसका हिसाब नहीं देता था। वोट के लिए शराब बांटी जानी आम बात थी, लेकिन शेषन ने आते ही इन सब पर लगाम लगाते हुए चुनाव सुधार किए। उन्होंने आचार संहिता के पालन को इतना सख्त बना दिया कि कई नेता शेषन से खार खाने लगे। लालू प्रसाद यादव तो उनसे इतना खार खाते थे कि वे हर बैठक में उनका जिक्र किए बिना नहीं रह पाते थे। ये शेषन की ही देन है कि अब चुनाव में राजनीतिक दल और नेता आचार संहिता के उल्लंघन की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उनके कार्यकाल में ही चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा शक्तियां मिली, चुनाव सुधार भी लागू है। जो पहचान पत्र आप देखते हैं या जो वोटर आईडी का लेकर आप वोट डालने जाते हैं, ये उन्हीं के कार्यकाल की देन है। उन्होंने चुनाव में वोट डालने के लिए वोटर आईडी का इस्तेमाल शुरू कराया। इससे फर्जी मतदान कम हुआ। पार्टियों और प्रत्याशियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया का भी शेषन ने सख्ती से पालन करवाया। शेषन ने ही चुनाव में राज्य मिशनरी का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को और ज्यादा मजबूत बनाया। इससे नेताओं की दबंगई कम हुई। शेषन के बारे में उस वक्त ये बात बहुत फेमस थी कि वे जरा जरा सा शक होने पर भी चुनाव रद्द कर देते थे। बात बिहार की है। बिहार में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और दोबारा चुनाव हो रहे थे। बिहार में फिर से लालू प्रसाद यादव सत्ता की कुर्सी पाने में लगे हुए थे, और उस वक्त सबसे ज्यादा फर्जी वोट डालने और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बिहार में होती थी। लेकिन शेषन ने पूरे सूबे को उस दौरान अर्धसैनिक बलों से पाट दिया था। शेषन ने सूबे में सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया था कि बिहार में चुनाव प्रक्रिया 3 महीने तक चली। यह पहली बार था जब बिहार में पिछले चुनाव के मुकाबले कम हिंसा हुई और फर्जी वोट भी कम पड़े। शेषन की शक्ति से लालू इतना गुस्सा हो गए थे, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। हालांकि लालू ये बात हास्य व्यंग्य के लहजे में ही कहते थे। इस बात का जिक्र संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में किया है। शेषन 11 दिसंबर 1996 तक चुनाव आयुक्त रहे। सरकारी सेवाओं के लिए उनको साल 1996 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया था। साल 1997 में टीएन शेषन ने आर के नारायणन के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। रिटायर्ड होने के बाद टीएन शेषन ने देशभक्त ट्रस्ट की स्थापना की और समाज सुधार के काम में जुट गए थे। लेकिन अब वो सख्त चुनाव अधिकारी हमारे बीच में नहीं है। वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए काम, उनके किए गए चुनाव सुधार सदियों तक याद किए जाएंगे और उनके नाम को अमर करते रहेंगे। टीएन शेषन के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।